हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा देवी लेटेस्ट कटिंग लेकर के आई हैं आज ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ट्राउज़र है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसको किस तरीके से कटिंग करते हैं। और इसको देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया और एक बार फोल्ड करते हुए अब हमने देखिए फ्रेंड्स, डबल से फोल्ड कर लेना है बड़े ही अच्छे तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको डबल से फोल्ड कर लिया और डबल से फोल्ड करते हुए बड़े प्यारे तरीके से। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको डबल से फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ से इसकी चौड़ाई रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें चौड़ाई कितनी रखनी होती है, अगर आप हेल्थी हैं तो उसी के अनुसार चौड़ाई रखनी होती है। पहले हमें नाप ले लेना होता है, नाप लेना होता है और फ्रेंड्स उसके बाद हमें इसकी निशान लगाने होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसकी चौड़ाई नापते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से। और फ्रेंड्स देखिए, हमने इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ से इसकी लेंथ रखनी है हमें कंप्लीट 35 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें 35 इंच कंप्लीट रखनी है लेंथ। और देखिए फ्रेंड्स, इसको इस तरीके से हमने पहले इकसार कर लेना है। जो हमारा छोटा बड़ा कपड़ा हो रहा है, तो हम फैब्रिक हो रहा है, तो हमने उसको इकसार कर लिया। और इकसार करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से यहाँ से मैंने 2 इंच लिया। 2 इंच ही मैंने लास्टिक के लिया, यानी कि लास्टिक इसमें हमें 2 इंच में लास्टिक डालनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने चौड़ाई में लिया 12 इंच और यहाँ से भी 12 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने 12 12 इंच लेते हुए और यहाँ से म्यानी के लिए लेना है 13 इंच पे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने म्यानी के लिए 13 इंच पे लेते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ से मोरी रखनी, मुझे कंप्लीट मोरी यानी कि 7 इंच रखनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको 9 इंच रख लेना है और इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है बड़े ही अच्छे तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने कटिंग करते हुए बड़े प्यारे तरीके से हम अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से कटिंग करते हुए अब मैंने यहाँ से कटिंग करने के बाद साइड से भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने साइड से भी कटिंग करके तैयार कर ली। और देखिए फ्रेंड्स, बड़े ही प्यारे तरीके से हमने इसको कटिंग करते हुए अब हमने ये म्यानी के लिए कटिंग कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने म्यानी के लिए कट किया और यहाँ से मैंने म्यानी के लिए कट करने के बाद अब देखिए फ्रेंड्स, हमें पॉकेट के लिए कट करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पॉकेट के लिए हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है कपड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चौड़ाई में 6 इंच कट करूँगी और लेंथ में 13 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने इस तरीके से कटिंग करते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से और यहाँ से मैंने म्यानी के लिए कटिंग करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, बड़े ही प्यारे तरीके से। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये म्यानी के लिए यानी कि पॉकेट के लिए लिया लेंथ 13 इंच, चौड़ाई 6 इंच। फोल्ड करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमारी पॉकेट कट के तैयार हो चुकी है। अभी हमें यहाँ से भी तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से तैयार करने के बाद यहाँ से और हमें 6 इंच पे ये कट लगा लेने हैं, क्योंकि हमें पॉकेट की ओपन साइड रखनी है। तो 6 इंच पे हमें कट लगा करके भी तैयार कर लिए हमने। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से तैयार करते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से और यहाँ से हमने पॉकेट ये कट करी है। और देखिए फ्रेंड्स, इधर की साइड हमारी पॉकेट आ जाएगी।
और आने के बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने सारा कट करने के बाद कुछ इस तरीके से, और हम इसको सिल करके लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने म्यानी अटैच कर लेनी है। और फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से म्यानी अटैच करते हुए, और ये मैंने म्यानी अटैच करने के बाद यहाँ से भी दूसरी साइड से भी मैंने म्यानी अटैच कर लेनी है। और म्यानी अटैच करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, बड़े ही अच्छे तरीके से, और देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ये तैयार कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दूसरा पार्ट भी लिया इसमें, और इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर लेना है। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से ज्वाइंट करने के बाद अब किनारे पे इसकी ऊपर की साइड एक सिलाई लगा लेनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस तरीके से ये सिलाई लगा करके तैयार करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने किनारे किनारे सिलाई लगा करके तैयार कर लेनी है कुछ इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा करके तैयार करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम पॉकेट लगाते हैं। और पॉकेट लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से, और देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से ये सिल के तैयार कर लेना है। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको सिल के तैयार किया है कुछ इस तरीके से। और देखिए फ्रेंड्स, ये जब हमें साइड वाली सिलाई लगा करके तैयार करना होता है, तो उसके ऊपर हमें किनारे किनारे सिलाई लगानी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने म्यानी के साइड वाली सिलाई ये ऊपर ओपन साइड में लगा करके तैयार कर लेनी है। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने बड़े ही प्यारे तरीके से तैयार की। और देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर हमें यानी कि लास्टिक डालनी होती है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको इस तरीके से तैयार करते हुए और ये लास्टिक भी डाल के तैयार कर लेनी है बड़े ही अच्छे तरीके से। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेफ्टी पिन के द्वारा ये लास्टिक कम डाली है इसके अंदर, क्योंकि मैंने वैसे दूसरे तरीके से सिल के तैयार किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लास्टिक भी डाल के तैयार कर लेनी है बड़े ही अच्छे तरीके से। अब हमें देखिए दोनों साइड देख करके ध्यान रखें कि हमारी लास्टिंग में यानी कि झोल तो नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से सिलाई लगा देनी है, इनको दोनों को पकड़ के अटैच कर देना है एक जगह। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरीके से अटैच की, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बड़े ही अच्छे तरीके से। और अब हमें देखिए इसके किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी होती है बीच में, ताकि हमारी लास्टिंग इधर उधर को ना होए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं सिलाई लगाती हुई गई, और सिलाई लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, बड़े ही अच्छे तरीके से ये मैंने तैयार की। अब देखिए फ्रेंड्स, नीचे को फोल्ड करने के लिए मोहरी के लिए कपड़ा मैंने ज्वाइन किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अंदर को फोल्ड करना होता है। अगर आपका कपड़ा कम है तो मोहरी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं है तो उसी में हमें पहले ही कट करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने मोहरी का ये नीचे की साइड से फोल्ड कर लेना है किनारा। और फ्रेंड्स, अभी तक आप नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिलाई से संबंधित हर न्यू डिजाइनर वीडियो मिलती रहेंगी, तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट में लिखना और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, सिलाई से संबंधित हर न्यू डिजाइनर वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने नीचे की साइड ये फोल्ड करते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से, तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने फोल्ड किया। और देखिए फ्रेंड्स, फोल्ड करने के बाद देखिए बड़ा ही अच्छा हमारा ट्राउज़र बनके तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, चौड़ी मोहरी भी है,
बहुत ही बढ़िया और कम्फर्टेबल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बना करके हमने तैयार किया है। तो देखिए फ्रेंड्स बड़े ही इजी तरीके से, और देखिए फ्रेंड्स हमने इसकी मोहरी 7 इंच रखी है। तो देखिए फ्रेंड्स प्लाजो हमारा बहुत सुंदर है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने बनाई और बहुत प्यारे तरीके से। और देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से बनाते हुए, देखिए फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुकी है हमारी ये सिलाई में भी और कटिंग में भी। तो देखिए फ्रेंड्स बनके हमारी कितनी अच्छी लग रही। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए डिजाइन के साथ। ओके बाय बाय।